नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेल भर्ती 2022 के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। सो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल करके सामने आई है। रेलवे टिकट कलेक्टर एंड ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर के पदों पर बड़े स्तर पर वैकेंसीज रखी जाएंगी, जिनके लिए आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम रेलवे TTE एंड TC की रिक्रूटमेंट के अपडेट के बारे में बात करेंगे। सो ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ में बात करेंगे कि यहाँ पर आपकी एज लिमिट क्या रखी जाएगी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखा जाएगा, कब से कब तक आप इस भर्ती के लिए अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, एंड आपको यहाँ पर मंथ पे स्किल कितना प्रोवाइड किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, एंड अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें, ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आप RRB चेक कर सकते हैं कि कौन से RRB से जो है आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप इजिली चेक कर पाएंगे, आप अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद एंड बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, जम्मू एंड कोलकाता, मालदा, मुंबई, मुजफ्फरपुर, पटना, रांची, सिकंदराबाद एंड इसी के साथ में सिलीगुड़ी और त्रिवेंद्रम से भी ये वैकेंसीज रखी गई है। तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इन भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, पूरे भारत से कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट से जो है बिलोंग करता हो। बात करते हैं दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में, तो आप यहां से इजीली चेक कर सकते हैं इंडियन रेलवेज RRB ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर रिक्रूटमेंट 2022 के बारे में ये इन्फॉर्मेशन यहां पर निकाली गई है। यहां पर आप चेक कर सकते हैं जो ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर के पद रखे गए हैं, ये टोटल 5489 वैकेंसीज हैं जिनके लिए आप आवेदन कर पाएंगे। अगर मैं यहां पर बात करूं दोस्तों वैकेंसीज के ओवरव्यू के बारे में, तो RRB TTE एंड TC रिक्रूटमेंट के ओवरव्यू के बारे में बात कर लें, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन नेम के बारे में बात कर लें, तो इंडियन रेलवे की तरफ से इन वैकेंसीज को जो है यहां पर ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। बात करते हैं बोर्ड नेम के बारे में, तो इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो है ये वैकेंसीज जो है निकाली गई है। बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर के बारे में, तो वो आप इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से इजीली चेक कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज 5489 पद रखे गए हैं, जो कि एक्सपेक्टेड है 5489 वैकेंसीज आपके यहां पर निकाली जाएंगी। नेम ऑफ पोस्ट के बारे में बात कर लें, तो ट्रेवलिंग टिकट एग्जामिनर एंड टिकट कलेक्टर के पदों पर ये वैकेंसीज हैं। जॉब कैटेगरी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब रहेगी, तो इसके लिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। जॉब प्लेसमेंट भी आपका ऑल ओवर इंडिया रहेगा। आप इन भर्तियों के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन डेट आपकी जो है जल्दी ड्यू कोर्स में दे दी जाएगी। इसी के साथ में दोस्तों 10th पास एंड 12th पास कैंडिडेट यहां पर आवेदन कर सकते हैं। आपकी जो क्वालिफिकेशन में अगर आप 10वीं पास कर चुके या फिर आप 12वीं पास कर चुके, तो आप इस भर्ती के लिए इजीली आवेदन कर पाएंगे। एज लिमिट आपकी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 30 साल रहेगी, मतलब कि अगर आपकी एज मिनिमम 18 हो चुकी है और मैक्सिमम 30 साल है, तो आप यहां पर इजीली आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ में SC ST कैटेगरीज को 5 साल की एंड OBC नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट को 3 साल की गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार छूट दी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा, इसके बाद में आपका स्किल टेस्ट यहां पर होने वाला है, एंड एप्लीकेशन फीस में आपको जनरल एंड OBC कैंडिडेट को ₹500 एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। SC एंड ST कैंडिडेट को यहां पर ₹250 एप्लीकेशन फीस जमा करवानी होगी। ऑफिशियल वेबसाइट आपकी RRB.gov.in रहेगी, फिर आप indianrailways.gov.in पर जाकर के भी अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों यहां पर क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अगर आप 10th क्लास पास हैं, आपने SSC या फिर मैट्रिकुलेशन कंप्लीट कर लिया है, तो आप यहां पर इजीली आवेदन कर सकते हैं। साथ ही में 12th पास कैंडिडेट और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट भी यहां पर आवेदन कर पाएंगे। मिनिमम 18 और मैक्सिमम यहां पर आपकी 30 साल एज लिमिट रखी गई है। एज में छूट आपको गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार देखने को मिल जाएगी, जो कि SC ST कैटेगरीज को 5 साल की एंड OBC कैटेगरीज को 3 साल की दी जाती है। सैलरी के बारे में बात करें, तो आपको यहां पर ₹1900 आपका यहां पर ग्रेड भी बनेगा, साथ ही में दोस्तों ₹5200 से ₹20200 सैलरी बनेगी, एंड एप्रोक्स आपकी जो सैलरी रहेगी वो ₹36000 पर मंथ तक यहां पर बनने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि CVT रहेगा। इसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा। ये आपके कुछ स्टेज रहेंगे जिनके आधार पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहां पर रहने वाला है। इसी के साथ में एप्लीकेशन फीस से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन आप यहां से इजीली चेक कर सकते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन फीस को ऑनलाइन जमा करवा पाएंगे। इसी के साथ में यहां पर आपको हाउ टू अप्लाई के बारे में दिया गया है कि किस तरीके से आप अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहां पर आपको कुछ स्टेप्स दिए गए हैं, आप
इन स्टेप्स को फॉलो करके अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इजीली सबमिट कर सकते हैं। एंड अगर आपको अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो के लिए बोल सकते हैं। मैं आपके लिए जल्दी से एक नई वीडियो लेकर के आ जाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठ करके अपने मोबाइल के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। सो उसके लिए सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, घंटी के बटन को जरूर दबा लेना है ताकि जब भी मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ में दोस्तों आपको आरआरबी टीटी का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस यहां पर देखने को मिल जाएगा। सो इसमें जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन यहां पर 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 नंबर के रहेंगे। इसी के साथ में मैथमेटिक्स के आपके 30 क्वेश्चन 30 मार्क के रहेंगे, मतलब कि गणित से आपके 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क के। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 30 क्वेश्चन 30 मार्क के रहने वाले हैं। एंड इसी के साथ में दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन 30 मार्क के रहेंगे। टोटल 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा एंड 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, मतलब कि पूरा 90 मिनट का टाइम आपको यहां पर मिलने वाला है। इसी के साथ में दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन का आपको 1 अंक यहां पर दिया जाएगा और 1/4 आपके यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे यहां पर पूछे जाएंगे। सो फ्रेंड्स ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस आप सभी को मिल चुका है एंड उम्मीद करता हूं इस भर्ती से संबंधित सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को मिल गई होगी। वीडियो कैसी लगी है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और घंटी के बटन को जरूर दबा लें ताकि इसी तरीके की लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद दोस्तों।